हाय गाइस, मेरा नाम है पिंटू कुमार शाह और आज मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियो पर व्यू कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा व्यू कैसे बढ़ाएं। यदि आप नए यूट्यूबर हो, यदि आपका कम सब्सक्राइबर है, आपका वीडियो आप जब अपलोड करते हो तो उस पर व्यू नहीं आता है, तो व्यू के लिए आप क्या करें, व्यू कैसे बढ़ाएं। आप सोचते होंगे कि व्यू कैसे बढ़ाएं, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च भी करते होंगे कि हम व्यू कैसे बढ़ाएं, व्यू कैसे लाए अपने वीडियो पर। ठीक है, तो व्यू लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको व्यू आपका वीडियो पर लाने के लिए फेसबुक अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेना है। फेसबुक अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद फेसबुक में आप अच्छे अच्छे जो भी फ्रेंड है, जो भी आपका जान पहचान का फ्रेंड है, उस पर सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उससे एक्सेप्ट करवा लीजिए। एक्सेप्ट करवाने के बाद आप क्या कीजिए, फेसबुक मैसेंजर भी लोड कीजिए। फेसबुक मैसेंजर लोड कीजिए और उसमें सबको हाय करके भेज दीजिए। जितना भी आपका फ्रेंड है, जो आपको जानता है पहचानता है, सबको हाय करके भेज दीजिए। भेजने के बाद उसके बाद क्या कीजिए, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, तो वो वीडियो को क्या कीजिए, फेसबुक पर सबसे पहले आप शेयर कीजिए। फेसबुक शेयर करने के बाद में, उसके बाद में शेयर करने के बाद में आप मैसेंजर में जाए। मैसेंजर में आपका जितना भी फ्रेंड है, सब फ्रेंड को मैसेंजर में आप शेयर कर दीजिए उस वीडियो को। एक ये तरीका हो गया आपको व्यू बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से आपको व्यू मिलने लगेगा, जितना भी आपका फ्रेंड है आपको देखेगा, उससे आपको क्या होगा, व्यू मिलने लगेगा। दूसरा क्या करना है, WhatsApp, यदि आपके फ़ोन में WhatsApp नहीं है, WhatsApp, तो WhatsApp इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फ़ोन में जितना भी नंबर्स है, आपके फ़ोन्स में जितना भी आपका फ्रेंड का नंबर है जो WhatsApp चलाता है, ठीक है, तो सबका नंबर को सेव तो होगा ही, सबको WhatsApp में आप सबको हाई कर दीजिए। हाई करने के बाद जो वीडियो आप अपलोड किए हो नेट पर यानी यूट्यूब पर, उस वीडियो को क्या कीजिए, व्हाट्सएप पर अपने पूरे फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, व्हाट्सएप में आपको ग्रुप नहीं बनाना है, ठीक है, फेसबुक में भी आपको ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप में आपको वीडियो को शेयर नहीं करना है, ठीक है, जिसमें व्हाट्सएप में भी आपको ग्रुप जो होगा उसमें शेयर नहीं करना है। यदि आप ग्रुप में शेयर करते हो तो ग्रुप में बहुत लोग देखना पसंद नहीं करता है, कि बहुत सारा दूसरा वीडियो भी आते रहता है, बहुत चीज़ का इंफॉर्मेशन आते रहता है जो मेरा इस्तेमाल का नहीं है, उसका भी वीडियो आप लोग ग्रुप पर डालते रहते हो। इसलिए आप ग्रुप पर कोई भी वीडियो ना डालें, आप सेपरेटली अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, जो आपका वीडियो जैसे जाए वह देख सके, आपका वीडियो सेपरेटली देख सके। फेसबुक में भी आप ग्रुप ना बनाएं, मैसेंजर में भी ग्रुप ना बनाएं, सेपरेटली आप उसको अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए वीडियो, जो आपका वीडियो देख सके आसानी से, ठीक है। दूसरा तो ये हो गया, तीसरा हो गया आपको इंस्टाग्राम। यदि आपका फ़ोन में नहीं है तो इंस्टाग्राम क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में, उसको अकाउंट वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपका जो भी वीडियो है आप इंस्टाग्राम में भी शेयर कीजिए, और वहाँ से भी आप फॉलोइंग बढ़ाइए और वहाँ पर भी वीडियो को शेयर कीजिए। वहाँ पर शेयर करने से क्या होगा कि बहुत सारा यूट्यूबर्स जो है दूसरे का वीडियो देखना पसंद करते हैं, कि वो किस तरह का वीडियो बनाया है, कैसे उसका वीडियो वायरल हुआ है, कैसे उसका वीडियो पर व्यू आ रहा है, वो देखना पसंद करते हैं। बहुत सारा नया यूट्यूबर हो जो दूसरे का वीडियो देखना पसंद करते हैं और सीखना चाहते हैं उससे कि वो वीडियो किस तरह का बनाया हुआ है, कि उसका वीडियो व्यू कर रहा है, यानी व्यू ला रहा है उसका वीडियो, और उसका वीडियो अच्छा खासा चल रहा है। तो इससे क्या होगा, दूसरा भी यूट्यूबर्स आपका वीडियो को देखना पसंद करेगा। तो ये हो गया, उसके बाद हो गया आप जब थंबनेल बनाते हो, ठीक है, वीडियो अपलोड करने के बाद जब थंबनेल बनाते हो तो थंबनेल जो है एकदम एट्रैक्टिव थंबनेल बनाए, कैंची थंबनेल बनाए, यानी कि
आप अपना इमेज तो आप अपना थंबनेल में लगाना ही है आपका इमेज, क्योंकि आपका फेस वैल्यू बढ़े। आपका इमेज इसलिए लगाना है कि आपका फेस वैल्यू बढ़े, और जब भी फिर आप अगला वीडियो आप YouTube पर अपलोड करें तो आपको फेस देख के आपको पहचान जाए कि वो वही बंदा है, और वो आदमी आपका वीडियो फिर से वॉच करने के लिए तैयारी रहे, ठीक है। इसलिए इमेज अपना थंबनेल में हमेशा लगाना, क्योंकि आपका फेस वैल्यू बढ़े, ठीक है, फेस वैल्यू बढ़े। उसके बाद इमेज के साथ साथ में आपको जो चीज़ के बारे में आप बताए हो उस वीडियो में, जैसे आप बताए हो कि आम को कैसे बेचा जाता है, आम बेचने का ट्रिक, आम को आम बेचना, सपोज आप उस वीडियो में सिखाए हो आम के आम बेचना सिखाए हो उसमें, तो उसमें आम बेचने के लिए सिखाए हो तो उसमें आम बेचने के उस जो थंबनेल में आप लिख सकते हो आम बेचने का ट्रिक, कुछ ऐसा थंबनेल लगा सकते हो आम बेचने का ट्रिक, आम 10 मिनट में कैसे पूरा बेच दे, ठीक है, आम को 10 मिनट में पूरा कैसे बेच दे। तो इस तरह का आपको कैंची थंबनेल लगाना है, एट्रैक्टिव, एकदम एट्रैक्टिव थंबनेल लगाना है कि लोग पढ़ते ही आपका वीडियो को क्लिक करके वह देख ले, ठीक है। शॉर्ट में लगाना है और पूरा फुल मीनिंग उसका दे देना है, शॉर्ट में लगाना है और पूरा फुल मीनिंग उसका दे देना है कि आदमी जो भी आपका व्यूअर्स है, जो भी आपका सब्सक्राइबर है, वो देखते ही क्लिक करके देख ले, ठीक है। तो थंबनेल एक हो गया, थंबनेल के बाद हो गया, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो अनलिस्ट, अनलिस्ट का ऑप्शन आता होगा, अनलिस्ट करके ही वीडियो को अपलोड कीजिए आप। इससे होता क्या है, अनलिस्ट करके आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो तो अपलोड हो जाता है, उसके बाद किसी को शो नहीं होता है। अनलिस्ट करके आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो तो अपलोड हो जाता है पर किसी को शो नहीं करता है, तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है कि जो भी आपका टैग्स है, डिस्क्रिप्शंस है, टाइटल है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से फिल करके तैयार कर लेने के लिए उसमें आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। तैयार करने के बाद में आप उसको पब्लिकी करके उसको अपलोड कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो टैग के बाद में टाइटल हो गया, आप टाइटल में आपको आप बता रहे हैं टाइटल कैसे दे अपने वीडियो को व्यू बढ़ाने के लिए, वीडियो में व्यू लाने के लिए थंबनेल आपको बता दिए, अब टाइटल कैसे दें, टाइटल का वजह से भी व्यू बढ़ता है। टाइटल अगर आप एट्रैक्टिव देते हो, अच्छा देते हो, जो सर्चेबल हो टाइटल वह देते हो, तो उससे भी आपका वीडियो रैंक करता है और व्यू लाता है आपके वीडियो में, ठीक है। तो यदि आप वीडियो बनाए हो आम कैसे बेचते हो, कैसे आम कैसे बेचा जाता है, ठीक है, इस तरह का आप वीडियो बनाए हो, चाहे कि एक ऐसे हम सिंपल सा एक आपको उदाहरण में बता रहे हैं, सपोज़ आप बता रहे हो कि हम ताजमहल में कैसे इंटर कर सकते हैं, ताजमहल में कैसे इंटर कर सकते हैं, या ताजमहल का एरिया हम कैसे देख सकते हैं, किससे पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एक इस तरह का टाइप का, किसी भी टाइप का आप मतलब अच्छा टाइप का वीडियो बनाए हो, किसी भी कैटेगरी का वीडियो हो, यदि आप वीडियो बनाए हो तो वह कैटेगरी का वीडियो का टाइटल तो आप सोचे ही होंगे, तो उस टाइटल को सबसे पहले आपको क्या करना है, YouTube का सर्च बार में जाके आप वहाँ पर टाइटल को टाइप कीजिए और सर्च कीजिए, टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। टाइप करने के बाद आप देखोगे नीचे कुछ उसी से रिलेटेड जो पब्लिक लोग सर्च करता है वो आएगा, जो पब्लिक लोग सर्च करता है वो आएगा, उसको क्या करना है, सबको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, किसी भी एप्स उप्स का झमेला में पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसको कॉपी में एक नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो भी आप नीचे में दिखाया पब्लिक लोग सर्च कर रहा है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए और टाइटल भी नोट कर लीजिए, उसके बाद में सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद में जो टॉप 10 में है, जो टॉप 10 में टाइटल का वीडियो सर्च में आ रहा है, ठीक है, वो टॉप 10 का टाइटल भी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।
सिर्फ टॉप 10 यानी ऊपर से लेके 10 वीडियो तक आपको उसका टाइटल को क्या करना है, नोट कर लेना है। नोट कर लेने के बाद में उस टाइटल को क्या कीजिए, आप जो फर्स्ट टाइटल था, फर्स्ट टाइटल आप जब भी दीजिए टाइटल में फर्स्ट टाइटल जो दीजिए आप एकदम अलग से टाइटल दीजिए, जैसे कि कोई भी बंदा सुनते ही क्लिक कर दे वीडियो पर आपका और वॉच टाइम आपका होने लगे, यानी व्यू बढ़ने लगे, ठीक है, व्यू आने लगे। तो सपोज आप बनाए हो कि वीडियो को कैसे सर्च लिस्ट में लाए, वीडियो को कैसे सर्च लिस्ट में लाए, सपोज ये वीडियो आप बनाए हो तो उस वीडियो को एक क्लिकेबल यानी आसान सा भाषा में, एक अपना भाषा में एक वर्ड टाइटल दीजिए, ठीक है, कि अपने वीडियो को सर्च लिस्ट में कैसे लाए, ठीक है, आसान सा भाषा दीजिए, जो सर्चेबल नहीं हो फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एक आसान भाषा में आपको देना है कि जो भी आदमी पढ़े तो फर्स्ट वाला ही पढ़ता है ना, उसके बाद में तो दिखाई नहीं देता है, तो फर्स्ट में एक ऐसा टाइटल देना है कि पढ़ते ही उसको अच्छा लगे और उसको समझ में आ जाए और उस पर क्लिक कर दे। उसके बाद में जो है आप सर्चेबल टाइटल दीजिए, ठीक है, सर्चेबल टाइटल दीजिए, 100 तक देना होता है, 100 वर्ड्स तक लिख सकते हैं आप टाइटल्स में, तो 100 वर्ड्स तक आप उसमें पूरा लिखें, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, वो जो हूबहू टाइटल्स, जो टाइटल्स में जितना भी टाइटल्स आप लिखे हैं 100 वर्ड्स लिखे हैं, सारा टाइटल को क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारा टाइटल्स को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में सेम टू सेम वही टाइटल को पेस्ट कर देना है आपको, डिस्क्रिप्शन में सेम टू सेम वही टाइटल को पेस्ट कर देना है। इससे आपका क्या होगा, वीडियो में व्यू आने लगेगा, वीडियो में व्यू आने लगेगा 100%। उसके बाद में एक तरीका और करना है जो आपका 100% वीडियो में व्यू आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में तो आप डाल दिए, सेम टू सेम फिर वही डिस्क्रिप्शन में जो डाले हैं, जो टाइटल में डाले हैं, वही वर्ड्स आप टैग में, यानी टैग में भी सेम टू सेम वही वर्ड्स फर्स्ट में डाल दें। इससे क्या होगा कि आपका टाइटल का भी जो वर्ड्स है वो मैच करेगा डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन का जो वर्ड्स है आपका मैच करेगा टैग से, तो तीनों भी एक साथ में मैच करेगा, कोई भी सर्च करेगा तो आपका जो वर्ड्स मैच होगा, मैच होने के बाद में आपका वीडियो को लाया जाएगा, आगे लाया जाएगा व्यू के लिए, ठीक है। तो ये तीनों से क्या होगा, ये तीनों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इस तीनों में कि आपका वीडियो पर व्यू अधिक से अधिक आ सके और अधिक से अधिक आपका वीडियो अच्छे से चल सके। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और थंबनेल को दिया जाता है। कोई भी वीडियो आप बना रहे हो, किसी भी टाइप का वीडियो बना रहे हो, ठीक है, उस वीडियो का थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग ये सब सर्चेबल होगा, ठीक है, तो आपका वीडियो रैंक करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, आपका वीडियो को रैंक करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, यानी रैंक करेगा यानी आपका व्यू आएगा, आपका वीडियो पर व्यू आने लगेगा और स्टार्ट हो जाएगा, आपका वीडियो पर व्यू स्टार्ट हो जाएगा आने के लिए। आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा तब कि हम वीडियो में व्यू कैसे बढ़ाएं, व्यू कैसे लाएं, ठीक है, आपको सोचने का कोई मौका नहीं पड़ेगा, आपका व्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपका वीडियो में व्यू जो है ऑटोमेटिक आगे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि आप अपने फ़ोन में फेसबुक इंस्टॉल करना है, नंबर 1। नंबर 2 में आप अपने फ़ोन में फेसबुक मैसेंजर इंस्टॉल करना है, ठीक है। फेसबुक में क्या करना है, आपको जितना भी फ्रेंड है आपका, सब फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में मैसेंजर में भी आपको सब फ्रेंड को हाय भेजकर उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो वीडियो आप अपलोड किए हो नेट पर यानी यूट्यूब पर, तो उस वीडियो को फेसबुक और मैसेंजर पर आप अपने फ्रेंड को केवल शेयर कर देना है, ठीक है। तीसरा बताया हमने आपको, व्हाट्सअप
आप अपने फ़ोन में नहीं है, आपके व्हाट्सएप आपके फ़ोन में नहीं है, तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। व्हाट्सएप को भी इंस्टॉल करना है अपना फ़ोन में, और जितना भी फ्रेंड है आपका, सब फ्रेंड का नंबर अपने फ़ोन बुक में सेव करके उसको व्हाट्सएप वाला फ़ोन नंबर सेव करके आप उसको जनरेट कर लीजिए और सबको हाय भेज दीजिए। हाय भेजने के बाद में क्या है, जो आप वीडियो अपलोड किए हो उसको व्हाट्सएप में भी आपको शेयर कर देना है अपना फ्रेंड को, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा नंबर में इंस्टाग्राम बताया हमने। इंस्टाग्राम यदि आपका फ़ोन में नहीं है तो इंस्टाग्राम को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसको अकाउंट वेरीफाई करके उसको क्या कीजिए, सबको फॉलोइंग कीजिए, फॉलोइंग कीजिए। और फॉलोइंग करने के बाद कुछ सबसे पहले तो एक अच्छा सा टाइटल दीजिए, एक अच्छा सा टाइटल के साथ में आप अपना पिक्चर को अपलोड कीजिए जिससे आपको पहचाने लोग पहचाने, ठीक है। तो उसके बाद में क्या कीजिए, आप आपका वीडियो जो YouTube पर अपलोड किया हो उसको Instagram में भी अपलोड आप कर दीजिए। उसके बाद करना है आपको थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। थंबनेल आपको कैंची बनाना है, अपना इमेज आपको थंबनेल में देना ही है देना है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में आप अपने थंबनेल में लिखे जो भी वीडियो बनाया है उस वीडियो कैटेगरी का टाइटल, एक नाम अच्छा से लिखिए कि कोई भी आदमी देखे तो उस पर क्लिक कर दे, ठीक है, और देखिए आपको वीडियो, आप वीडियो पर व्यू आने लगे। टाइटल्स आपको सबसे फर्स्ट में आपको एक बोल चाल के भाषा में जो भी वर्ड्स आप लिखते हो बोल चाल के भाषा में एक अच्छा वर्ड्स लिख दें। उसके बाद आप जो भी वर्ड्स हैं यूट्यूब पर सर्च करके उसका सर्चबल जो है वह टाइटल लगा देना है, 100 वर्ड्स तक आपको लिख देना है। सेम टू सेम वही वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करना है और वही वर्ड्स आपको टैग में भी पेस्ट कर देना है। इससे तीनों क्या होगा, तीनों मैच होगा और आपका वीडियो जो है आगे आया जाएगा, व्यू के लिए रेडी रहेगा और कोई भी वीडियो, कोई भी बंदा आपका वीडियो वॉच करके व्यू उस पर आपको आने लगेगा, व्यू आने लगेगा। सो थैंक यू, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, शेयर करने से क्या होगा कि दूसरे को भी जो नए यूट्यूबर्स हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे देखकर उसे भी कुछ फ़ायदा पहुँचे। और ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक मिलने से हम लोग को वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट होता है माइंड में, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इतना सारा बताने के बाद एक लास्ट वर्ड आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। जब तक आपका कोई जान पहचान नहीं होगा ना, ठीक है, जब तक आपका कोई जान पहचान नहीं होगा तब तक आपका कोई ग्राहक नहीं आएगा। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, हमने दुकान खोला, ठीक है, और एक बंदा वो भी दुकान खोला, हमने भी दुकान खोला और एक लड़का जो है उसने भी दुकान खोला। हम कहीं नहीं जाते थे, कोई मुझे नहीं जानता था, नहीं पहचानता था, और वो जो लड़का है वो सब जगह जाता था, सब जगह घूमता था, ठीक है, और सब उसे जानता था, सब व्यक्ति उसे जानता था, और हम कहीं नहीं जाते थे, कहीं नहीं घूमते थे और हमें कोई नहीं जानता था। दोनों ने दुकान खोला, पब्लिक जब देखा दुकान खुला है नया दुकान तो मुझे नहीं जानता था तो इसलिए मेरे दुकान में नहीं आया। उसे जानता था, उसलिए उसको जान पहचान उसको पहले से था और उसके दुकान में गया, उससे बात भी किया, नए दुकान खुले हो, हाँ भाई ऐसे ऐसे है, वहाँ से वो ख़रीदारी भी किया। और मेरे दुकान में क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे वो जानता नहीं था, हमें नहीं पहचानता था, और मेरा जस्ट बगल में उसका दुकान है, उसे पहचानता है, वो जानता है उसे, इसलिए उसके दुकान से वो उसने सामान परचेस कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह सेम टू सेम YouTube में होता है, यदि आप केवल वीडियो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो,
आपको कोई YouTube पर जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, ठीक है, YouTube पर आपको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जब वीडियो वॉच करने आएगा तो आप पर कैसे ट्रस्ट करेगा, आप पर ट्रस्ट कैसे करेगा, ट्रस्ट तो करेगा नहीं इतना जल्दी। वो जो पहले आदमी का वीडियो देख चुका है, जिस पर उसको ट्रस्ट हो गया है, जो देख चुका है उसका वीडियो, उस पर उसका ट्रस्ट हो गया है, उसका वीडियो वो देखना पसंद करता है, तो उसी का वीडियो वो देखेगा। यदि आपका वीडियो उसका नीचे में भी है या टॉप में भी है, उसका आमने सामने है, तो उस व्यक्ति को वो जानता है अच्छे से, तो उस वीडियो को वो देखेगा, आपका वीडियो को वो क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि वो वीडियो को वो उसको आपको जानता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए सभी यूट्यूबर्स कहते हैं आप अपने फेस कैम यानी फेस कैम वीडियो बनाइए, फेस कैम वीडियो बनाइए, इसलिए सभी यूट्यूबर कहते हैं फेस कैम वीडियो बनाइए। फेस कैम वीडियो बनाने से होता क्या है, जो भी व्यक्ति आपका वीडियो देखता है, या आपका वीडियो 2 मिनट का हो या 3 मिनट का हो या 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो, कितना भी मिनट का हो या कैसा भी वीडियो हो, जो भी व्यक्ति आपका वीडियो देखता है, उसका वीडियो देखते देखते आपसे वो व्यक्ति जुड़ जाता है, वीडियो देखते देखते आपसे वो व्यक्ति जुड़ जाता है, आपको देखने लगता है, आपको समझने लगता है, उसका थिंकिंग और आपका थिंकिंग कुछ मैच होता है, आप जो बताते हो उसको अच्छा लगता है, तो उससे क्या होता है कि आपसे वो व्यक्ति जुड़ जाता है, आपको समझता है, वो जुड़ जाता है, समझने लगता है, देखने लगता है, आपसे एक जान पहचान जैसा हो जाता है, आपसे मानो कि जान पहचान जैसा हो जाता है, ठीक है। तो जान पहचान होने के बाद में क्या होता है कि आप कहीं भी कुछ का भी वीडियो डालोगे, पोस्ट करेगो, यदि वो बंदा उस पर होगा, उस प्लेटफॉर्म पर होगा, सपोज आप यूट्यूब पर वीडियो कोई अपलोड किए, यूट्यूब पर वो वीडियो आप अपलोड किए और यूट्यूब वो चलाता है, तो आपका इमेज वो देखते ही आप क्लिक करके वो देखना पसंद करेगा, भले कैसे वीडियो आप बनाए हो, मगर कैसे भी का मतलब अच्छा कैटेगरी का उसके लाइक का वीडियो बनाया हो, ठीक है, जैसे उसका अंडरस्टैंडिंग का वीडियो बनाया हो, और उसके बाद में अगर आप कुछ ब्लॉग्स व्लॉग कुछ बनाते हो, फिर भी वो बंदा आपका वीडियो देखेगा, वो पसंद करेगा, क्योंकि पहले वो आपका वीडियो देख चुका है और आपसे अंडरस्टैंडिंग उसको अच्छी तरह से हो गया है, आपका वीडियो वो ज़रूर देखेगा आगे भी, ठीक है। तो इसी तरह सेम टू सेम यूट्यूब में होता है। वीडियो बनाने के साथ साथ क्या कीजिए, आप एक पोस्ट भी कीजिए, आप अपना फ़ोटो वीडियो यूट्यूब में, यूट्यूब में आप अपना फ़ोटो को कुछ टैग लगाकर पोस्ट भी किया कीजिए कि इससे आपको पहचान होए, और फेस कैम वीडियो ज़रूर बनाएं। फेस कैम वीडियो बनाने से मुझे आशा है कि सबसे ज़्यादा वीडियो व्यू होता है, फेस कैम वाला वीडियो सबसे ज़्यादा वीडियो पर व्यू मिलता है, ठीक है, और वो आगे भी प्रमोट होते रहता है फेस कैम वाला वीडियो पर। और इससे क्या होता है कि जो भी वीडियो आपका देख रहा है उससे आपका एक अच्छा सा अट्रैक्शन यानी कनेक्शन हो जाता है, आपके साथ कनेक्शन हो जाता है, भाईचारा का एक कनेक्शन हो जाता है, वो जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो अगर उस प्लेटफॉर्म पर होगा तो आपका वीडियो वो ज़रूर वॉच करेगा, वो बिना वॉच किए हुए वो जाएगा नहीं, क्योंकि आपका और उसका कनेक्शन हो गया, जैसे जान पहचान हो गया, तो वो सोचेगा अरे भाई इसने क्या बताया इस वीडियो में, थोड़ा दिखता है, खोल के देखेगा ज़रूर आपका वीडियो को। सो थैंक यू, आपका वीडियो बहुत अच्छा हुआ, सो बाय बाय। यदि आपको इस वीडियो को लाइक करना हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और किसी और के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं आप तो ज़रूर शेयर कीजिए, कि उसे भी कुछ फ़ायदा हो सके इस वीडियो को देखने के बाद। सो थैंक यू, यदि कुछ पूछना चाहते हो तो भी पूछ सकते हो। बाय बाय।